नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। दिन रात खेतों की रखवाली, हाथ फिर भी खाली, बंदरों के आतंक से किसानों ने छोड़ी मक्की की खेती। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल नूरपुर में कई किसानों ने बंदरों और लावारिस पशुओं के खतरे के कारण मक्की की खेती करना छोड़ दी है। एक अनुमान के अनुसार खरीफ फसल के सीजन में लगभग 4000 एकड़ भूमि खाली पड़ी है। पिछले एक दशक के दौरान बंदरों और लावारिस पशुओं की समस्या ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। वहीं सरकारें इस समस्या का समाधान करने में कोई प्रभावी समाधान खोजने में विफल रही हैं। इसके चलते किसानों को विशेष रूप से खरीफ फसल के सीजन में अपने खेतों को खाली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दलाई लामा ने मनाया 87वां जन्मदिन, हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे भी पहुंचे। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बौद्ध अनुयायियों और देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों और नेताओं ने बधाई दी। मैकलोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में सुबह पूजा अर्चना के बाद केक काटा गया। इस मौके पर मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे, वन मंत्री राकेश पठानिया और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर शुभकामनाएं दी। असम राइफल के जवानों ने लामखागा दर्रे से सुरक्षित निकाली घायल पर्वतारोही। असम रेजिमेंट के जवानों ने घायल महिला पर्वतारोही को लामखागा दर्रे से सुरक्षित निकाल लिया है। महिला को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह दल ट्रांस हिमालय की गगनचुम्बी चोटियों एवं दर्रों को फतेह करने के लिए निकला था। लामखागा दर्रे पर एक महिला विमला देवी दिवासक पैर फिसलने के कारण घायल हो गई थी। इसकी सूचना ट्राइपिक हिमालय की इकाई 4 असम रेजिमेंट को दी गई। इसके बाद जवानों के एक दल ने बचाव अभियान शुरू किया। हिमाचल में बारिश ने भरपाया कहर, मणिकर्ण में बादल फटा, 4 लोग लापता, शिमला में एक की मौत। हिमाचल प्रदेश में जारी मानसून की बारिश अब तबाही मचाने लग गई है। बुधवार यानी आज तड़के जिला कुल्लू के मणिकर्ण में चोज नाले में बादल फट गया। पार्वती नदी के सहायक नाले चोज में आज तड़के बादल फटने से एक कैंपिंग साइट तबाह हो गई है। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पार्वती नदी का जलस्तर उफान पर है, बगीचों और खेतों को भी नुकसान हुआ है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे झाकड़ी के समीप भूस्खलन होने से ठप हो गया है। दूसरी ओर बात करें तो राजधानी शिमला के ढली में आज सुबह एक गाड़ी पर पत्थर गिरने के कारण 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हुए हैं। हिमाचल के केसीसी बैंक में भरे जाएंगे 266 पद, बीओडी बैठक में मिली मंजूरी, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के खाली पड़े 266 पदों को भरने के लिए डीपीसी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। डीपीसी में अगले 4 माह में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब बैंक में कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बैंक में वर्ष 2016 में हुई भर्ती के कर्मी भी अब पदोन्नति के लिए परीक्षा दे पाएंगे। वहीं आज इस संबंध में केसीसी बैंक की निदेशक मंडल की बैठक में चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं वर्ष 2016 में बैंक में हुई भर्ती विभिन्न पदों पर 200 से ज़्यादा कर्मी भर्ती हुए थे, जिन्हें अब पदोन्नति का अवसर मिलेगा। वहीं निदेशक मंडल की बैठक में 80 जलवाहकों की भर्ती दैनिक वेतन भोगी के आधार पर करने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रस्ताव पारित कर मंजूरी के लिए सहकारिता विभाग के पंजीक को मामला भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद 2 सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इग्नू इस सत्र से शुरू करेगा 16 नए कोर्स, वैदिक अध्ययन की होगी पढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नए सत्र से 16 नए स्नातकोत्तर, स्नातक डिग्री सहित सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा।
इग्नू के इन नए पाठ्यक्रमों में वैदिक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री भी शुरू की जाएगी। वहीं इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जोगिंदर कुमार यादव ने बताया कि नए कोर्स में प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी इग्नू की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों का कामकाज ग्राम रोजगार सेवकों को सौंपा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चलाने, ग्रामीण जनता को विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जन्म मृत्यु, विवाह, BPL तथा अन्य पंचायत रिकॉर्ड की प्रतिलिपियां प्रदान करने के दृष्टिगत विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों का कार्यभार ग्राम रोजगार सेवकों, 10वीं पास या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सिलाई अध्यापकों तथा पंचायत चौकीदारों को तुरंत प्रभाव से सौंपा जाए। आउटसोर्स भर्ती मामले पर हिमाचल विश्वविद्यालय की वित्त कमेटी लेगी अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति के कार्यकाल में फरवरी और मार्च माह में आउटसोर्स आधार पर हुई भर्तियों की विशेष कमेटी ने समीक्षा की है। अब मामला इसी माह होने वाली विश्वविद्यालय वित्त कमेटी की बैठक में जाएगा। करीब 60 भर्तियों पर बवाल होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अप्रैल माह से इनका मासिक मानदेय भी रोका है। वहीं अब वित्त कमेटी में आउटसोर्स भर्तियों का मामला जाएगा। इस मामले पर फैसला वित्त कमेटी ही लेगी। विश्वविद्यालय में साल 2015 से लेकर आउटसोर्स आधार पर रखे कर्मियों की संख्या 250 से अधिक है। पंचायत सचिवों के 239 पदों की भर्ती के लिए टंकण परीक्षा का शेड्यूल जारी। पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 239 पदों को भरने के लिए 20 से 22 जुलाई तक टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। विभाग की ओर से मेरिट सूची मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने टेस्ट की तिथियां तय कर दी हैं। वहीं 3 दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी। टाइपिंग टेस्ट के बाद चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को विभाग पंचायत सचिवों के पद पर नियुक्ति दे देगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से पंचायत सचिवों के 239 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाई थी। करीब 27,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी है। HRTC कंडक्टरों की कार्मिक हड़ताल जारी, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश में 6ठे वेतन आयोग में HRTC के कंडक्टरों की वेतन विसंगति के विरोध में कार्मिक हड़ताल जारी है। इसी के चलते आज HRTC कंडक्टर यूनियन मंडी ने वेतन विसंगति के विरोध में HRTC बस स्टैंड मंडी से जिला मुख्यालय तक एक रोष रैली निकाली है। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित नारेबाजी भी की। वहीं इसके उपरांत कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ADM मंडी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार और HRTC प्रबंधन को एक ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में मंडी डिवीज़न के तहत आने वाले लगभग 1,000 से ज़्यादा कंडक्टरों ने मांग उठाई है कि उन्हें क्लर्क के बराबर का पे स्केल दिया जाए। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।